हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे सुषुम्ना संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम है व्याधि समुदेशय अध्याय। इससे पहले 23 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको चरक संहिता, जो हमने कंप्लीट अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है एक एक चैप्टर, तो उसमें से अगर आपको कोई भी चैप्टर चरक संहिता का चाहिए, तो आप सर्च में उस चैप्टर का नाम एंड नंबर लिखिए एंड डॉक्टर कोमल बहल लिखिए, तो वो चैप्टर आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह से 23 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं सुषुम्ना संहिता सूत्र स्थान के, तो कोई भी चैप्टर का नाम, स्थान एंड डॉक्टर कोमल बहल आगे लिखिए, तो वो चैप्टर आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 24, व्याधि समुदेशय अध्याय। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले ये कहा गया है, उद्देश्य मतलब कि संक्षेप में किसी बात को कहना। तो ब्रीफ में जो संक्षेप में व्याधि का डिस्कशन किया गया है, वो ये अध्याय है, ठीक है। तो इसमें व्याधियाँ दो प्रकार की बताई हैं, शस्त्र साधे व्याधियाँ और स्नेह आदि क्रिया साधे व्याधियाँ। शस्त्र साधे मतलब कि ऐसी व्याधियाँ जो सर्जरी से ठीक होती हैं, स्नेह आदि क्रिया साधे व्याधियाँ मतलब जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मतलब मेडिसिन देने से ठीक होती हैं। जो व्याधियाँ सर्जरी से ठीक हो सकती हैं, उसमें हम स्नेह आदि क्रिया पहले ट्राई कर सकते हैं, मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो स्नेह आदि क्रिया से साध्य होती हैं, उसमें पहले सर्जरी नहीं की जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो श्लोक नंबर 4 है, उसमें ये लिखा है, ये क्वेश्चन फॉर्म में कई बार आ चुकी है ये लाइन, तद दुख संयोगो व्याधे इति, दुख का संयोग ही व्याधि है, ठीक है। ये जो मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन फॉर्म में कई बार आ चुका है, ये नेक्स्ट लाइन है, तच दुखम त्रिविधम। दुख जो होता है तीन प्रकार का होता है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक एंड आधिदैविक, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आध्यात्मिक, आधिभौतिक, ये दो प्रकार के दुख हैं, और तीसरा दुख कौन सा कायाचार्य चरक ने, ठीक है। तो तीसरा दुख जो है वो आधिदैविक है। अब ये तीन प्रकार के दुख तो आचार्य सुषुप्त ने कहे हैं, आचार्य काश्यप ने व्यथा जो है पांच प्रकार की कही है, ठीक है। और ये जो तीन प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, इनसे सात प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। वो कौन सी हैं? आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त, दोष बल प्रवृत्त, ठीक है। आदि, जन्म, दोष, ये तीन होगी। एंड देन संघात प्रवृत्त, देन काल बल प्रवृत्त, दैव बल प्रवृत्त एंड स्वभाव बल प्रवृत्त। आदि, जन्म, दोष, ठीक है, काल, दैव, स्वभाव एंड संघात। जो ये आदि, जन्म एंड दोष बल प्रवृत्त व्याधियाँ हैं, ये आ जाती हैं आध्यात्मिक में, एंड संघात बल प्रवृत्त आ जाती है आदि भौतिक में, एंड काल बल प्रवृत्त, दैव बल प्रवृत्त एंड स्वभाव बल प्रवृत्त, ये आ जाती हैं आपकी आदि दैविक में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आदि बल प्रवृत्त व्याधियों में क्या आता है। देखिए, ये जो कंसेप्ट है समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदि बल में और जन्म बल में आपको अक्सर कन्फ्यूजन होता है एंड क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आज इस एपिसोड में क्रिस्टल क्लियरली हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, तत्र आदि बल प्रवृत्ता, आदि बल प्रवृत्त व्याधियाँ वो होती हैं जो माता और पिता के शुक्र और शोणित से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। जैसे कि कुष्ठ, अर्श, प्रभृत्य, प्रभृत्य मतलब एक्सेट्रा। तो आचार्य सुश्रुत ने आदि बल प्रवृत्त में कहा है कि कुष्ठ और अर्श, जबकि दलहन ने कुष्ठ और अर्श के साथ मेह और क्षय भी ऐड किया है, एंड अष्टांग संग्रह ने कुष्ठ, अर्श और प्रमेह, ये तीनों आदि बल प्रवृत्त व्याधियों में बताया है। ये नोट कर लीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ठीक है। और चरक ने सहज रोग में क्या बोला है? प्रमेह और अर्श, ठीक है। देखिए, आदि बल प्रवृत्त अब आपको पता चल गया, जो शुक्र शोणित दोषान व्या, ठीक है, शुक्र और शोणित दोष से उत्पन्न होने वाली व्याधियाँ होती हैं। एंड इसके बाद है कि सेकेंड, अच्छा, ये आदि बल प्रवृत्त के दो भेद होते हैं, मातृज और पितृज, ठीक है। सेकंड इसकी जन्म बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त ये मातुर अपचारात, ठीक है, माता के मिथ्या आहार विहार के सेवन से उत्पन्न होने वाली जो व्याधियाँ होती हैं वो जन्म बल प्रवृत्त होती हैं। माता और पिता के शुक्र शोणित दोष से उत्पन्न होने वाली व्याधियाँ जो होती हैं वो आदि बल प्रवृत्त होती हैं, ठीक है। तो जन्म बल प्रवृत्त जो माता के मिथ्या आहार विहार के सेवन से, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम, गर्भ के समय जब माता मिथ्या आहार विहार करती है, तब व्याधियाँ जो जन्म बल प्रवृत्त उत्पन्न होती हैं वो है पंगु, जात्यांध, बधिर, मूक, मिनमिन, वामन आदि, ठीक है। और ये भी दो प्रकार की होती हैं, रसकृत और दो हृदयकृत, मतलब दो हृदय अपचारकृत, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज
मिथ्या आहार विहार से जो रोग उत्पन्न होते हैं दैट कम्स अंडर दोष बल प्रवृत्त, ये आमाशय से उत्पन्न होते हैं और पक्वाशय से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के हैं, ठीक है। और फिर ये शारीरिक और मानसिक, ये भी इनके दो भेद होते हैं। इस तरह से आदि बल प्रवृत्त जो माता पिता के शुक्र शोणित दोष से उत्पन्न होते हैं, जन्म बल प्रवृत्त जो प्रेगनेंसी के टाइम माता जो है अपचार मिथ्या आहार विहार करती है, एंड थर्ड इज दोष बल प्रवृत्त जो कि मिथ्या आहार विहार या रोगों के उपद्रव फॉर्म में उत्पन्न होते हैं। ये तीन प्रकार की व्याधियाँ कह दी गई हैं। जो आदि बल प्रवृत्त होती हैं इन रोगों को याज्ञवल्क्य ने संचारी भी कहा है, आचार्य चरक ने कुलज भी कहा है, एंड आदि बल प्रवृत्त को वाग्भट ने कुल उद्भव भी कहा है और सहज भी कहा है। भेल ने इसको प्रकृति प्रभाव नाम भी लिखा है, ठीक है। तो सहज रोग यानी कि आदि बल प्रवृत्त आचार्य चरक ने प्रमेह और अर्श ये दो प्रकार के बताए हैं। डलहन ने कुष्ठ अर्श मेह और क्षय, एंड अष्टांग संग्रहकार ने कुष्ठ अर्श प्रमेह, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत ने कुष्ठ और अर्श बताया है। अब नेक्स्ट है आदि भौतिक के अंडर आता है संघात बल प्रवृत्ति। ये कैसे होता है? दुर्बलस्य बल वधिग्रहात, मतलब कि दुर्बल मनुष्य अपने से बलवान के साथ जब लड़ाई करता है तो चोट लगने से या फिर आगंतुक विकार जो होता है वो उत्पन्न होने से संघात बल प्रवृत्ति रोग उत्पन्न होते हैं। शस्त्र से उत्पन्न या व्याल सर्प आदि से उत्पन्न इनके दो भेद होते हैं, या तो शस्त्र की चोट लगने से या किसी जानवर के काटने से, ठीक है। ये संघात बल प्रवृत्त आ गया जो कि आदि भौतिक व्याधियों के अंडर आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि आचार्य वाग्भट ने सात प्रकार की व्याधियाँ बताई हैं, ये भी नोट कर लीजिए। जातज, गर्भज, पीड़ज, सहज, स्वाभाविक, कालज एंड प्रभावज, ठीक है। उपसर्गज व्याधि का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है? आचार्य सुश्रुत ने। एंड नेक्स्ट है आपका श्लोक नंबर 8, इसमें हम पढ़ेंगे काल बल प्रवृत्त, ठीक है। काल, दैव और स्वभाव जो कि आदि दैविक के अंडर आती हैं। तो काल बल प्रवृत्त व्याधियाँ कौन सी होती हैं? जो टाइम के अकॉर्डिंगली होती हैं, ठीक है। जो रोग शीत, उष्ण, वायु, वर्षा आदि के कारण उत्पन्न होते हैं उसको काल बल प्रवृत्त रोग कहते हैं। विकृत ऋतु से उत्पन्न और अविकृत ऋतु से उत्पन्न हुए रोग इनके दो भेद होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हैं दैव बल प्रवृत्त। दैव बल प्रवृत्त मतलब कि देवता, ब्राह्मण, गुरु आदि का अभिद्रोह करने से, अपमान करने से, गुरु के अभिशाप से या आभिचारिक मंत्रों के प्रयोग से, या फिर किसी मतलब कि रुग्ण पुरुष के साथ रहने से जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड दैव बल प्रवृत्त, ठीक है। जो उपसर्गज रोग होते हैं वो भी दैव बल प्रवृत्त के अंडर आते हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, संक्रामक ज्वर आदि, ठीक है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है विद्युत, ठीक है, सेकेंड इज़ भूत, प्रेत, पिशाच आदि से उत्पन्न, ठीक है। एंड इनके दो भेद और होते हैं, सांसर्गिक एंड आकस्मिक, ठीक है। और नेक्स्ट इज स्वभाव बल प्रवृत्ति। ये पैथोलॉजिकल डिजीज़ में नहीं आते, ये है फिजियोलॉजिकल डिजीज़, ठीक है। जैसे कि जो नेचुरली मतलब किसी भी इंसान में आती ही आती है, जैसे कि एजिंग, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने 5 प्रकार की स्वभाव बल प्रवृत्त व्याधियाँ मानी हैं, जबकि आचार्य चरक ने 2 प्रकार की स्वभाव बल प्रवृत्त व्याधियाँ मानी हैं। तो 5 कौन सी हैं? क्षुधा, पिपासा, जरा, मृत्यु और निद्रा। एंड आचार्य चरक ने कौन सी मानी है? 2, जरा और मृत्यु, ठीक है। इनके भी दो भेद होते हैं, कालकृत और अकालकृत, ठीक है। कालकृत मतलब कि जो जैसे कि हम सारे जो स्वस्थ रहने के नियमों को फॉलो करते हैं, ठीक है, अच्छे से जीवन जीते हैं एंड उचित आहार विहार करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं, तो टाइमली हमें एजिंग आती है, ठीक है। 100 साल की उम्र भी हो सकती है, 90 साल की उम्र भी हो सकती है, उसके बाद डेथ होती है, तो ये कालकृत में आ जाती है। लेकिन इन सब नियमों को फॉलो नहीं करते तो अचानक से किसी व्याधि से मृत्यु हो जाती है तो उसको अकालकृत कहते हैं। तो स्वभाव बल प्रवृत्त जो है, कालकृत, अकालकृत, ये दोनों इसके भेद हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमने अभी पढ़ा दोष बल प्रवृत्त एंड सॉरी अभी हमने पढ़ा काल बल प्रवृत्त, दैव बल प्रवृत्त एंड स्वभाव बल प्रवृत्त। इसके बाद ये श्लोक आता है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, कि सर्वे शास्त्र व्याधिनाम वात पित्त श्लेष्मान एव मूलम, कि सभी व्याधियों का जो मूल है वो वात पित्त और कफ है, ठीक है। ये जो रेफरेंस है ये सुश्रुत सूत्रस्थान व्याधि सम उद्देश्य अध्याय का है,
अध्याय नंबर 24, ठीक है। तदलिंगात्वाद दृष्ट फल त्वाग आगामाच, कहने का मतलब है कि सभी व्याधियों का जो मूल है वो वातपित और कफ है, क्योंकि उन रोगों में जो वातपित कफ के लिंग मतलब लक्षण नज़र आते हैं और उनकी जब हम दोष की वात आदि दोष हर चिकित्सा करते हैं तो रोगों की शांति रूप में जो फल दिखाई देते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि सभी व्याधियों के जो मूल है वो वातपित कफ दोष है। एंड इवन आगा ये जो लास्ट में लिखा है ना त्वदाग माच, ठीक है, तो इसका भी मतलब यही है कि शास्त्र का भी यही प्रमाण है, आप तो उपदेश भी यही कहते हैं आप पुरुष, कि सभी व्याधियों के जो कारण है मूल वो वातपित और कफ दोष हैं, क्योंकि इन व्याधियों में इन तीनों दोषों के रिलेटेड ही हमें लक्षण मिलते हैं और जब इन तीनों दोषों की हम चिकित्सा करते हैं तो रोग की शांति रूप में हमें फल भी दिखाई देता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे धातु प्रदोषज विकार। देखिए आचार्य सुश्रुत जी ने इस चैप्टर में अध्याय नंबर 24 में धातु प्रदोषज विकार का वर्णन किया है, जबकि आचार्य चरक ने सूत्र 28 में धातु प्रदोषज विकार का वर्णन किया है। धातु प्रदोषज विकार में रस दोष के कारण में क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं, जब रस दूषित हो जाता है तो अन्न में द्वेष है, भोजन में अरुचि, अजीर्ण, अंगमर्द, ज्वर, जी मचलाना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। रक्त की दृष्टि से कुष्ठ, विसर्प, पीड़िका, मशक, नीलिका, तिल, कालक, अर्श, अर्बुद, ठीक है। एंड मांस की दृष्टि से अर्श, अर्बुद, देखिए मांस की दृष्टि में भी है, उसके बाद अधिजीवा, उपजीवा, उपकोश, गलशुंडिका, अलजी, ठीक है, मांस संघात। एंड देन मेद की प्रदृष्टि से जो विकार होते हैं वो है अर्बुद, गलगंड एंड मधुमेह, ठीक है। तो इसमें आपने नोटिस क्या किया है कि देखिए आचार्य चरक ने जो अर्बुद बताया है उन्होंने ये बताया है कि मांसज जो धातु है उसकी दृष्टि से अर्बुद होता है, ठीक है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने अर्बुद को रक्त में भी बताया है, मांस में बताया है एंड मेद में भी बताया है, बट आपकी फर्स्ट चॉइस जो है वो आचार्य चरक की ही रहेगी, दैट इज़ मांसज, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो अस्थि में दोष, अस्थि प्रदोषज विकार हैं वो कौन से हैं, अध्यस्थि, अधिदंत, ठीक है, एंड अस्थियों में सूचीभेद वत पीड़ा, अस्थिशूल, कुनक, ये सब, ठीक है। एंड मज्जा धातु में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लर्न करना है, आँखों के आगे अंधेरा आ जाना मतलब तमोदर्शनम, मूर्छा, भ्रम, पर्वस्थूलम, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एंड भ्रम होना, और इसके बाद नेत्र अभिशंधि, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। शुक्र दृष्टि में क्या होता है, क्लैब्य होता है, अप्रहर्ष होता है, शुक्र अश्मरी, शुक्र दोष, ठीक है। एंड मल आयतनों में जब दृष्टि होती है तब क्या होता है, मल के आयतनों में जब दोष उत्पन्न होते हैं तब चार प्रकार के विकार होते हैं, त्वग दोष होता है, ठीक है, एंड संग होता है अति प्रवृत्ति, मतलब अति उत्सर्गन हो जाता है या फिर न्यून अधिक उत्सर्ग होता है मलमूत्र आदि का, एंड कई बार संग हो जाता है, ठीक है, त्वग दोषा, स्वंग, अति प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति। नेक्स्ट इसकी देखिए धातु प्रदोषज विकार सभी आचार्यों ने शुक्र प्रदोषज विकार तक ही मेंशन किए हैं, बट आचार्य भेल जी ने गर्भ में भी जो है गर्भ प्रदोषज विकार के भी लक्षण बताए हैं, ये आपको याद रखना है। एंड श्लोक नंबर 19 ये है कि कुपिता नाम ही दोषानाम शरीरे परिधात्वाम, ठीक है, यत्र संग ख वैगुण्यम। तो ये जो इसका मतलब है कि शरीर में रसादि के साथ संचरण करने वाले जो दोष होते हैं इनके ये जब प्रकोपित हो जाते हैं, ठीक है, तो ये परिधावन करते हुए स्त्रोत्सों की विगुण्यता से जहाँ उन दोषों का अवस्थान होता है वहीं पर ये रोग उत्पन्न करते हैं। स्त्रोत्सों में मतलब रस के साथ जब ये दोष पूरे शरीर में संचरण करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, जहाँ पर फिर इनको ख विगुण्य मिलते हैं वहीं पर ये दोष जो है रोग उत्पन्न करते हैं, बस इसका यही मतलब है, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट जो है उसमें आप देखिए ज्वरादिक रोग जो होते हैं इनका नित्य संबंध होता भी है और नित्य पृथकत्व भी नहीं होता, ठीक है, किंतु मिथ्या आहार विहार आदि से ये दूषित होते हैं और वातादि दोषों से ज्वरादि रोग की उत्पत्ति करते हैं।